हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ हेयर एंड केयर का प्रोडक्ट, जो सिल्क एंड शाइन सीरम है बालों के लिए। ये कहते हैं बहुत अच्छा होता है, तो मैं रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाफ बॉटल अप्रॉक्सीमेट यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए, हाफ बॉटल यूज़ हो चुकी है मेरी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आउटर पैकेट जो था वो कार्डबोर्ड केस का था, जो कि मैंने उसको फेंक दिया है, वो खो चुका है। मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, ये तो मुझे यूज़ करते करते बहुत टाइम हो गया, और ये बहुत कम कंज्यूम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है इतनी बड़ी बॉटल। केयर का प्रोडक्ट है सिल्क एंड शाइन लीव इन कंडीशनर विद द फ्रूट विटामिन, और इसकी MRP 165 रुपीज़ है 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, अगर हंड्रेड एम एल ऑफ प्रोडक्ट है, MRP 165 है, और फ्रेंड्स ये 36 मंथ्स तक के यूज़ हो सकता है। मतलब ये फ्रेंड्स देखने में कुछ शीशे की बॉटल जैसी लग रही, बहुत ट्रांसपेरेंट, क्यूट सी, बहुत स्लीक, अच्छी सी बॉटल है। बट ये प्लास्टिक मटेरियल की है। इसका कैप फ्रेंड्स ये भी प्लास्टिक मटेरियल का है, और फ्रेंड्स ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, जैसे कि आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं। इसको खोलते और बंद करते टाइम पे इस पर टिक टैक की साउंड आती है, जो इंश्योर करती है कि ये अच्छे से क्लोज हो गया है। आप सुन सकते हैं, फ्रेंड इसकी स्मेल बहुत, हम कह सकते हैं इसमें बहुत धीरी सी, बहुत हल्की स्मेल है, बहुत हल्की स्मेल है, जो कि आपके बालों पे बहुत देर तक के नहीं रहने वाली है। बहुत अच्छी फ्रेश फील देता है। इसको मैंने बहुत दिन तक के यूज़ किया है। इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये फ्रूट कंडीशनर का काम करता है सीरम, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको 5 में से 4 दूँगी। इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर, सिल्क एंड शाइन को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हम शैम्पू करेंगे अपने बालों को, और उसके बाद अगर कंडीशनर करना चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने बालों को तौलिए से डैम्प वेट कीजिए, मतलब कि उसको हल्का सा तौलिए से सुखा लें, और गीले ही बालों में 3 से 4 ड्रॉप अपने पाम पे लें, और उसको रब करने के बाद डायरेक्टली अपने बाल पे अप्लाई करें। पहले मिडिल लेंथ से शुरू करते हुए टिप तक जाएं, उसके बाद फिर वो अपर लेंथ से, और ये रूट्स पे नहीं अप्लाई किया जाता, मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रूट्स पे अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छी शाइन देता है, और अगर आप कोई बालों में हेयर स्ट्रेटनर और कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आयन यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें प्रोटेक्ट करता है थोड़ा बहुत, ऐसे ही नॉर्मल सा। डायरेक्टली अप्लाई करने से बेटर है कि इसको अप्लाई करके तब आप प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो। और ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी तरफ से 5 out of 4 मैं दूंगी इसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।